Assalamu alaikum student, how are you? I hope that you all are great now. Student, today I have a news for you, especially graduation level students. I have a good news for you. Un tamam students ke liye jo graduation karte hain, especially BA, B.Sc, B.Coms, ADP, ADS wagera. Un tamam student ke liye mere paas ek good news thi, so socha aap log sath share ki jaye. स्टूडेंट सबसे पहले तो थोड़ा सा फ्लैशबैक कर लें 2018 में जब ये एक न्यूज़ आई थी कि गवर्नमेंट पाकिस्तान HEC जो है हायर एजुकेशन सिस्टम जो हमारा है वो 2 साल डिग्री प्रोग्राम को ख़त्म कर रहा है. ये 2018 में जब न्यूज़ आई तो बड़ी शॉकिंग न्यूज़ थी तमाम स्टूडेंट्स के लिए, वो स्टूडेंट स्पेशली जो प्राइवेट होते हैं, जो किसी जॉब के साथ साथ रह कर अपनी स्टडीज को कंटिन्यू रखते हैं और 2 साल BA, BCOM, BSc कर लेते हैं, प्लस साथ में वो प्राइवेट MA कर लेते थे BA के बाद 2 साल डिग्री के साथ. तो 2018 में जब ये न्यूज़ आई स्टूडेंट उनके लिए तो वो बड़े शॉकिंग न्यूज़ थी उनके लिए. HEC ने कहा कि हम 2 साल प्रोग्राम ख़त्म कर रहे हैं और हम जो है आगे BS लेके चलेंगे. इसके साथ उन्होंने कहा कि जो स्टूडेंट उस वक्त दाखिला ले चुके थे, एडमिशन कर चुके थे, फॉल इन हो चुके थे यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, उनका नया नाम दे दिया गया, BA को ADA कर दिया गया, ADS कर दिया गया साइंसिस के लिए BSc को, और जो BCOM वगैरह थे उन्हें ADP का नाम दे दिया गया. तमाम स्टूडेंट परेशान हो गए थे, स्पेशली जो प्राइवेट तबका होता है स्टूडेंट्स का. इसके साथ स्टूडेंट मैं एक और बात शेयर करना चाहूंगा, जो स्पेशली यूनिवर्सिटीज थे, यूनिवर्सिटीज काफी सारी इस चीज को एग्री नहीं कर रही थी, लेकिन HEC ने कह दिया था तो यूनिवर्सिटीज को मानना पड़ रहा था ये बात. लेकिन अभी रिसेंटली एक गुड न्यूज आई है जो कल की मीटिंग में हुई है, जो HEC के साथ हुई है तमाम यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर की, उन्हें दोबारा रीस्टोर करने का कहा गया है. मैं आपको ये गुड न्यूज दे रहा हूं कि जो 2018 में अनाउंसमेंट हुई थी और तमाम हर तरफ एक अफरा तफरी का आलम हो चुका था, तमाम यूनिवर्सिटीज जो खास स्पेशली प्राइवेट स्टूडेंट्स होते हैं, तमाम दीपिका मरियंस वो बर्बाद होना शुरू हो चुके थे कि हम क्या करेंगे, हम कैसे रेगुलर यूनिवर्सिटी में जाकर 4 साल BS प्रोग्राम करेंगे. वो सब स्टूडेंट परेशान हो चुके थे. अब उनके लिए मैं गुड न्यूज लेकर आया हूँ. आई हैव गुड न्यूज फॉर यू स्टूडेंट, स्पेशली BSc जो करते हैं, जो BCOM करते हैं, जो ADA, जो स्टूडेंट BA करते हैं, उनके लिए दोबारा वो जो हमारा पुराना निजाम चल रहा था उसको रिस्टोर कर दिया गया है. आप स्टूडेंट ने दोबारा वही जो 2018 से पहले प्रोग्राम चल रहा था, जो नए नाम रखे थे ADS, ADP और हम जो ADP कहते थे और ADS कहते थे, उनको जो नए नाम दिए गए थे उनको दोबारा बहाल कर उसी लेवल पर ले जाया गया है. पुराना नाम दिया जा रहा है BA, ADA को और ADP को BCOM और ADS को BSc का, दोबारा 2 साल डिग्री प्रोग्राम दोबारा रिस्टोर किया जा रहा है. ये आप लोगों के लिए बहुत गुड न्यूज है, स्पेशली उनके लिए जो प्राइवेट स्टूडेंट्स होते हैं, जो जॉब्स भी करते हैं और साथ साथ अपनी स्टडीज भी कंप्लीट करते हैं स्टूडेंट. तो उनके लिए गुड न्यूज है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जो HEC है, हायर एजुकेशन सिस्टम हमारा जो है, उनके साथ तमाम वाइस चांसलर की मीटिंग हुई है, ये 2-3 दिन पहले मीटिंग हुई है, उसके अंदर ये तय पाया गया है कि जो पुराना नाम था BA वगैरह था, जो 2 साल प्रोग्राम डिग्री थी, उसको दोबारा रिस्टोर किया जा रहा है. अब स्टूडेंट आप आराम से जो एंटर के बाद आप 2 साल BA भी कर सकते हैं, BCOM भी कर सकते हैं, BA भी, और इसके बाद आप मास्टर लेवल जो प्रोग्राम था MA उर्दू, MA इस्लामियात, MA इंग्लिश, 2 साल डिग्री होती थी, वो भी रिस्टोर कर दी गई है. तो अब आप उसी पुराने निजाम पर जाकर जो हमारा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का था, जो 2018 से पहले का था, उसी के तहत अब आप 2 साल डिग्री कर सकते हैं और उसको पुराना नाम ही दिया जाएगा. और जो रिसेंटली पेपर हो रहे हैं ADA के, ADS और ADP के, उनकी डिग्री पर भी शायद दोबारा यही नाम लिख लिया जाए, BA, BSc और BCOM. ये तो डिग्री आगे तो पता चलेगा, फिलहाल तो पेपर स्टार्ट हो चुके हैं. आज भी इंग्लिश का पेपर था और ये जो हमारा ADA का है और सेकंड ADA फोर्थ ईयर का. तो स्टूडेंट आप लोगों की गुड न्यूज थी, मैं आप लोगों से शेयर कर लूँ, होपफुली आपको अच्छा लगा होगा. अगर आपको ये अच्छी लगी इन्फॉर्मेशन तो कमेंट्स में जरूर लिखेगा और दूसरों को भी बताएं जो लोग, क्योंकि मैं एक यहाँ पे बात और मेंशन करना चाह रहा हूँ, स्पेशली यूनिवर्सिटीज के हवाले से, किन किन यूनिवर्सिटीज ने एफर्ट की, स्पेशली पंजाब यूनिवर्सिटी, सोगो यूनिवर्सिटी, मियां वाली यूनिवर्सिटी, ये जो कुछ ऐसी यूनिवर्सिटी है जिन्होंने बहुत एफर्ट की है कि वो 2 साल डिग्री जो प्रोग्राम है उसको रिस्टोर किया जाए. क्योंकि इस तरह से प्राइवेट स्टूडेंट जो था वो बेचारा कुछ नहीं कर पा रहा था. अगर ये 4 साल प्रोग्राम ले आते थे जो BS की सूरत में था तो प्राइवेट स्टूडेंट कहां जाता. इसके साथ साथ जो यूनिवर्सिटीज का एक था सोर्स ऑफ इनकम था यही प्राइवेट स्टूडेंट, जो प्राइवेट रहते हुए जॉब्स में रहते हुए एडमिशन देते थे और 2 साल प्रोग्राम की डिग्री होती थी, BA, MA करते थे प्राइवेट के तौर पर, ये यूनिवर्सिटी का बहुत बड़ा सोर्स ऑफ इनकम था. यूनिवर्सिटीज को भी लॉस हो रहा था और स्पेशली स्टूडेंट को भी. तो इसलिए आखिरकार HEC को घुटने टेकने पड़े तमाम वाइस चांसलर के आगे और प्राइवेट स्टूडेंट के आगे, और दोबारा वही प्रोग्राम
जो दो साल चल रहा था हमारा बीकॉम बीएससी और बीए वो रिस्टोर हो रहा है और इंशाल्लाह जल्द ही इसका नोटिफिकेशन आएगा और मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। थैंक यू, स्टे सेफ, स्टे होम, गुड लक, अस्सलाम वालेकुम।